हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे एक और पीएचडी एडमिशन के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रहा है, जहाँ पे हम जानेंगे कैसे अप्लाई करना है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन और एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो चलेंगे दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, उससे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे की यूनिवर्सिटी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यानी राज्य विश्वविद्यालय, जिसे नैक का A++ ग्रेड प्राप्त है। काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपका पीएचडी का जो सेशन रहेगा वो 23 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे 22 और 23 आपका रहने वाला है सेशन। यहाँ पे आपका 23 में स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए अगर हम बात करें आपकी क्वालिफिकेशन की, तो नेट अगर आप क्वालिफाई नहीं तब भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नेट, JRF, स्लेट, गेट या कुछ क्वालिफाई हैं तो आपको एग्ज़ाम देने से भी छूट मिल जाएगी। न्यू अप्लीकेशन फॉर्म है आपका। अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको 26 देखने को मिलेंगी। सीट के बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। फेलोशिप अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको यहाँ पे नियम और शर्तों के साथ फेलोशिप पे की जाएगी। इसके साथ ही अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क के साथ कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके अलावा हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलेंगे, जहाँ पे आपकी सीट, सब्जेक्ट्स और इसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें भी देखेंगे। लेकिन चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए। तो हम चलेंगे और यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन देखेंगे। तो ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये यहाँ पे पहले ही आपके इस जो नोटिफिकेशन है इसमें आपके यूनिवर्सिटी का नाम नीचे मेंशन किया गया, तो उसे हम देखेंगे। इससे पहले यहाँ पे आपकी जो पीएचडी एलिजिबिलिटी टेस्ट January 2023 उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे ये कैंडिडेट्स पहले बताए गए कि कौन से कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड होंगे। साथ ही यहाँ पे इन कैंडिडेट्स को छोड़ के अदर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ये कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं है तब भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे UGC NET, UGC CSIR का JRF है, स्लेट है, गेट है, GPAT हैं, या फिर आप ICAR का इंस्पायर, राजीव गांधी फेलोशिप होल्डर हैं, टीचर फेलोशिप होल्डर हैं, डायरेक्ट फेलोशिप अवार्ड हैं, या फिर आपने MPhil कर रखा है, तो MPhil अगर आपने इसी यूनिवर्सिटी से किया है तभी आपको यहाँ पे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। तो अगर आपने इसमें से कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है तो आपको एग्ज़ाम देने से छूट मिल जाएगी, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना है। यहाँ पे आपकी पीएचडी एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके यहाँ पे अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो ये दोस्तों यहाँ पे एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, फिर से वही पॉइंट्स मेंशन किया गया, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी यूनिवर्सिटी की, तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, पंजाब की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। काफ़ी बेहतरीन विश्वविद्यालय एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो यहाँ पे आप जरूर आवेदन कीजिएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिनके पास 55% मार्क्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। वहीं अगर आप आएंगे SC ST OBC के नॉन क्रिमिनल डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, तो अगर आपके पास 50% मार्क्स भी हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स मेंशन किया गया, जहाँ पे बताया गया है कि अगर आपने अपना जो मास्टर है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो यहाँ पे अंडर डिस्टेंस एजुकेशन या फिर ODL मोड या फिर आपने लेटरल इंट्री स्कीम के आधार पे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे आपको एक इक्वलेंसी सर्टिफिकेट, इक्वलेंस बुक दी गई, उसे आपको यहाँ पे चेक करने की आवश्यकता है। तो ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। PhD एलिजिबिलिटी टेस्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर आप ये कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं है जिसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो यहाँ पे आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा प्लस इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसी के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे PhD एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में जो भी जानकारी है वो मेंशन की गई, तो इसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं जो कि 55% मार्क्स रखे गए हैं। अगर आप SC ST OBC के नॉन क्रिमिनल डिफेंडेबल कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। इसके साथ यहाँ अगर हम बात करें आपकी जो आपके यहाँ पे PhD एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, ये आपके यहाँ पे 2 साल तक वैलिड रहने वाला है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी सिलेबस की, एंट्रेंस एग्जाम की, तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस है, जो यहाँ पे UGC नेट का सिलेबस रहता है वही आपका यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। बाकी यहाँ पे जिन सब्जेक्ट्स में UGC नेट नहीं, मतलब नेट नहीं एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो उनका सिलेबस यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस है वही यहाँ पे आपका रहने वाला है। बेसिकली आप समझ सकते हैं, जिन सब्जेक्ट्स में नेट कंडक्ट कराया जाता है या फिर CSIR नेट कंडक्ट कराया जाता है, तो उसमें वही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस रहेगा। और बाकी जिन सब्जेक्ट्स में नहीं कंडक्ट कराया जाता है उनका सिलेबस जो पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस होता है वही आपका रहने वाला है। ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें 2 आपके पार्ट रहेंगे। पार्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपके 25 कंपलसरी क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि सभी कैंडिडेट्स के लिए समान होंगे, जो कि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स कैरी करेंगे। पार्ट सेकंड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अटैम्प्ट यहाँ पे करने हैं 50 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, और यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका 1 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको जो है सब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं,
यानी शॉर्ट टाइप आपको आंसर यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपको 15 में से लिखना पड़ेगा 5 आंसर, और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 5 मार्क्स का रहेगा आपका। तो ये आपके यहाँ पे दो पेपर, जो आपका पेपर सेकंड होगा उसमें आपके दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहेंगे और शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो आपका पेपर सेकंड रहेगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है, तो ये आपके यहाँ पे पार्ट सेकंड हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो यहाँ पे आपकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो 12/1/2023 है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके एग्जाम के बारे में, तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम है 17/1/2023 को कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि यहाँ पे 10:30 AM से 1 PM के बीच आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम सेंटर की बात करें, तो यहाँ पे विनोबा भावे टेस्ट जो रहेगा वो लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स नियर केमिस्ट्री ब्लॉक GNDU कैंपस, यानी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो आपकी है उसी वहीं पर आपका ये जो नियर केमिस्ट्री ब्लॉक है लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स वहीं पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो एग्जाम सेंटर भी दिया गया, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं, डेट को ध्यान रखते हुए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। यहाँ पे काउंसलिंग आपकी 24/1/2023 से स्टार्ट हो जाएगी, देन यहाँ पे आप अपनी जो PhD कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है, जो कि यहाँ पे PhD एलिजिबिलिटी टेस्ट किस सब्जेक्ट में कंडक्ट कराया जाएगा वो यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। इन सब्जेक्ट्स में आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है कंडक्ट कराया जाएगा, इसमें अगर आप नेट जार कुछ क्वालिफाई नहीं है तो आवेदन कर सकते हैं, और इन सब्जेक्ट्स में आप बिना नेट के भी और एंट्रेंस एग्जाम दे के आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो सब्जेक्ट एक नज़र में देख लेंगे, आपके यहाँ एग्रीकल्चर है, ह्यूमन जेनेटिक्स है, लॉ है, बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, एनवायरमेंटल है, फार्मास्यूटिकल साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी है, आपके यहाँ पे प्लानिंग है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन है, हिंदी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो ये जो आपके 18 सब्जेक्ट्स हैं इनमें आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और इनमें आप एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप नेट जेआरएफ या कुछ क्वालिफाई हैं तो ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किए गए, जो कि टोटल 26 सब्जेक्ट हैं, तो आप इन 26 सब्जेक्ट्स को चेक कर सकते हैं। इनमें आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ वही कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हो पाएंगे जो नेट जेआरएफ या कुछ एग्जाम क्वालिफाई होंगे। तो इन सब्जेक्ट्स में आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, और इसमें आप डायरेक्ट इंटरव्यू देकर सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे एमफिल के बारे में बात की गई, तो एमफिल यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटीज अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप एग्जामिनर कैटेगरी में नहीं शामिल होंगे, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपने इसी यूनिवर्सिटी यानी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से आपने अगर कंप्लीट किया है एमफिल, तब यहाँ पे आपको एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन था, जो यहाँ पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए थे। बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो यहाँ पे आप जरूर आवेदन कीजिएगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन है, और इस नोटिफिकेशन में आपके PhD से संबंधित लगभग सारे पॉइंट्स हो गए हैं, एक आधा अगर छूट गए हैं तो आप उन्हें चेक कर लीजिएगा, और देन यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर दीजिएगा। इसके ऑफिसर साइट पे चलेंगे, कैसे अप्लाई करना है उसे भी हम देख लेंगे। अगर आपको ऑफिसर साइट का लिंक नहीं पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है जिसे NAAC का A++ ग्रेड प्राप्त है, आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके यहाँ पे रिवाइज शेड्यूल फॉर ऑफ PhD एडमिशन December 2022 ये यहाँ पे मेंशन किया गया, इस पर आप क्लिक करके अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे होगा कैसे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। तो लगभग PhD से संबंधित आपके सारे पॉइंट्स हो गए, तो हम वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे दोस्तों ऐसी एक अन्य PhD की जानकारी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।